हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं मयूरी और आज हम रिएक्शन देने वाले हैं अज्जू बाईज 3 करोड़ रुपीस का गेमिंग सेटअप टूर। यस, आप सही सुन रहे हैं। सो गाइस, 3 करोड़ किसको बोलते हैं यार, किसको बोलते हैं, मतलब लाइक किसी का घर बन जाता है इतने में तो। सो लेट्स गो गाइस, देखते हैं क्या क्या चीज़ें वो दिखाता है 3 करोड़ के गेमिंग रूम सेटअप टूर में। सो लेट्स गो। तो भाई एक और बार आप सभी का स्वागत है हमारे आज के एक नए वीडियो में। मेरा नाम है अजय और आज हम लोग करने वाले हैं गेमिंग रूम टूर यानी कि सेटअप। हालांकि ये वाला वीडियो जनवरी में आने वाला था बट बाद में मैंने सोचा क्यों ना फेब्रुवरी में डालें क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और मैं बीच में बीमार भी हो गया था। तो ये वाला जो रूम टूर वीडियो है वो बहुत ही क्रेजी होने वाला है। इसी बात पे चलो छोड़ो वो सब छोड़ो। 3 करोड़ का गेमिंग रूम है मेरा, बहुत खतरनाक है। 3 करोड़ का होगा ऐसा मैं बोलता हूँ, आप लोग देख के बताना कितने का है। बाकी हम लोग जाते हैं सीधा गेमिंग रूम। तो आ जाओ भाइयों, जाते हैं अपने 3 करोड़ वाले गेमिंग रूम को देखने के लिए। वैसे ये गेमिंग रूम नहीं है, एक सीक्रेट रूम है, इसमें बाद में कभी रिवील करूंगा। अपना गेमिंग रूम यहाँ पे है और बहुत खतरनाक है। लेट्स गो, जाते हैं, मजा आएगा। तो स्टार्टिंग हम लोग करने वाले हैं रेस्ट रूम से एंड उसके बाद में तुम्हें दिखाऊंगा अपना गेमिंग रूम। बट उससे पहले इसको बंद करेंगे वरना कोई भी आ जाएगा। मम्मी भाई कोई भी, मैं क्या है पता है, मम्मी कभी भी आ जाते और उनको रोक भी नहीं सकते हैं। तो हाँ, रेस्ट रूम में एक बेड है, बेड में बाद में दिखाऊंगा, और यहाँ पे गेमिंग रूम है वो भी बाद में दिखाऊंगा। ये है सबसे पहले टीवी, टीवी पे मैं देख रहा हूँ बोरूटो, नरूटो का बच्चा है ये। बोरूटो और नरूटो एनीमे मैंने खत्म किया, बहुत खतरनाक था। अपना शारिंगन बारिंगन एकदम मदारा बदारा आया था सब कुछ। और उसके बाद 6 महीने के बाद में बोरूटो स्टार्ट किया, ये काफी ज्यादा बोरिंग था स्टार्टिंग में बट बाद में जाके अच्छा हो गया। हाँ, ये फालतू चीजें बातचीत नहीं करेंगे, हम लोग करने वाले रूम टूर और रूम टूर के लिए मेरे को ना हाथ में कैमरा लेना पड़ेगा। तो ये है अपना बेड और ये बेड की सबसे खास बात ये है कि ये सिंगल बेड है, मतलब अगर डबल सोना भी चाहे तब भी कोई सो नहीं सकता है इसके ऊपर मेरे साथ में, समझ रहे हो। तो बाद में खैर छोड़ो यार, अभी मैं क्या बातचीत कर रहा हूँ, मुद्दे पे आते हैं। तो बेड पे ऐसे देखो, लड़कों का बेड ऐसे ही होता है, ये मत सोचना कि भाई तुम वैसे भी भाई लड़के ही होगे तो तुम्हें पता है क्या है। तो देखो ये है दोनों टी शर्ट, इस पे मिम्मत बनाना हो कि कोई भी, तो ये दोनों टी शर्ट में से कोई भी एक टी शर्ट में पहन लेता हूँ जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। इसके अलावा ये है तकिया जो कि यहाँ पे पड़ा रहता है, और हाँ यहाँ पे मैंने स्विच बोर्ड लगाया, पता है क्यों स्विच बोर्ड यहाँ पे लगाया, ताकि मैं बेड पे सोए हुए फोन चला सकूं और चार्जिंग भी कर सकूं, गेम भी खेल सकूं। और अभी इसको मैं रख देता हूँ और इस बेड के सामने सीधा टीवी है, टीवी में वेब सीरीज भी देख सकता हूँ, बेड पे बैठे बैठे मैं मोबाइल को चार्जिंग कर सकता हूँ, मतलब गेम भी खेल सकता हूँ, मोबाइल भी चलाऊंगा, मतलब मल्टीटास्किंग करूंगा, सब चीजें एक साथ हो सकती है। और हाँ, यहाँ पे जो ये वाला बक्सा है ना, ये गिटार का बॉक्स नहीं है। ओके, कुछ लोग सोचे कि अज्जू भाई तो गिटार प्रेमी हो गए लड़कियों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये है कोई लाइटिंग का बक्सा। वैसे तो सबको पता ही होगा बट कुछ लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं। और बाकी हम लड़कियों के पीछे नहीं भागते भाई, क्योंकि लड़कियां भी हमारे पीछे नहीं भागती है। खैर छोड़ो वो सब बातों को। यहाँ पे मैंने एक शेल्फ बनवाया ये वाला पाटिया, बट उससे पहले ये भाई, ये भाई ये मालिक पाटिया नहीं दिखाओ अभी। अभी देखो यार, तुमको मैं पैसा देता हूँ, सही तरीके से रिकॉर्डिंग करो ना यार, ये क्या बात हुई, तुम अपने हिसाब से सब कुछ करते हो। देखो यहाँ पे है कबाट, कबाट बोले तो कबाट जो भी बोले इसको इंग्लिश में, आप समझो इसमें सामान रखा जाता है। आ जाओ कैमरा में, आ जाओ इधर, आप हल्का सा हो मालिक, ये देखो इसमें है सामान। इसमें जैसे कि आप लोग एलेक्सा का बक्सा देख सकते हो, प्लेटेशन आता है, एक PS5 करके चीज आती है, सब लोग जानते होंगे उसका। ये सब ये यूट्यूब ने मेरे को सामान भेजा था भाई, यूट्यूब से ना मैं गिफ्ट नहीं लेता हूँ। मेरे को यूट्यूब वाले बोले कि अज्जू भाई हम आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, मैं बोला मैं क्यों गिफ्ट लूँ, मैं ऐसे गिफ्ट वगैरह नहीं लेता। बट जब उन्होंने बोला अज्जू भाई आप ही हो गेमिंग इंडस्ट्री के इंडिया के करता धरता सब कुछ, मतलब इतना चूना मारा, मैं बोला भेज दो फिर गिफ्ट भेज दो। मैं फिर अपना भी एक वो होता है ना यार, कुछ बोल रहे बंद नहीं होते टाइम पे, पुराने हो जाते ना फिर ये लफड़ा होता है। तो हाँ, तो उस वजह से मैंने गिफ्ट को किया एक्सेप्ट। और अभी शेल्फ की बारी है, कैमरा मैन थोड़ा थोड़ा खिसकिए। हाँ ये बात, कैमरा मेरे से हटना नहीं चाहिए वरना पेमेंट नहीं दूंगा। ये देखो यहाँ पे है नियॉन लाइट, ये नियॉन लाइट जो है मैंने अभी तक लगाई नहीं है, मैं लगाऊंगा थोड़े टाइम में। उसके अलावा ये तो हम लड़कों को भाई चाहिए, सिंपल बात है भाई, बहुत काम की चीज है, मैं बता दूं क्या है। और उससे पहले ये है पानी का बोतल, ये है माइक, ये है यूट्यूब ने मेरे को पानी का बोतल वापिस भेजा था दिवाली को कि अज्जू भाई प्लीज आप गिफ्ट ले लीजिए, मैं बोला मैं गिफ्ट वगैरह नहीं लेता हूँ, तो फिर भी उन्होंने फोर्स किया तो अभी क्या कर सकते, तो मैंने ले लिया। ये सैमसंग गैलेक्सी S24 वालों ने भी मोबाइल भेजा था, मैंने खरीदा था इसलिए भेजा था, ओके वरना भाई नहीं भेजते। उसके अलावा इसका टीवी, इतना तो भाई मैं हॉरर गेम में नहीं डरा जितना अभी डर गया, मतलब क्या हुआ ऐसा, ये भाई इसको सही रखेंगे। हाँ तो अभी ये जो वाला सामान है ना इसको गलत मत समझना, ये है क्लीनर,
क्लीनर वो वाली चीज, मतलब ये जो टीवी है ना उसका ग्लास क्लीन करने के लिए मेरे को दिया गया था, ये वाले क्लीनर का उसलिए यूज होता है। हालांकि मैं कुछ ज्यादा ही फालतूगिरी कर रहा हूँ, बट सॉरी। कैमरामैन तैयार हो जाइए, अभी सभी लोगों को हम लोगों को गेमिंग रूम दिखाना है। इसी बात पे भाइयों वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा दो और आ जाओ गेमिंग रूम में जाते हैं। तो भाई यो भी टाइम आ चुका है अपने गेमिंग रूम को देखने का, और मैं पहले ही बता दूं ये कोई 3 करोड़ का गेमिंग सेटअप नहीं है, ना ही 2.5 करोड़ का है। मैं मजे मजे में बोलता हूँ, ऐसे ही कुछ भी बोल दिया, मन में आया बोल दिया ऐसा। तो हाँ, मेरा जो गेमिंग सेटअप ये वाला है, इसका रियल प्राइस मेरे ख्याल से, जहां तक मेरे को लगता है, 25-30 लाख होगा। और जो मैंने सेट पे गेमिंग सेटअप बनाया था वो काफी महंगा था, मतलब वो लिटरली बहुत ज्यादा महंगा था। वैसा मैं बना सकता हूँ अभी घर के अंदर, बट हाँ मैं सोच रहा हूँ बाद में बनाऊंगा। बाकी अभी आप लोग ये वाला गेमिंग सेटअप देखो, ये भी बहुत खतरनाक है, मैं दिखाता हूँ। आ जाओ, ये है मेरे पीसी दोनों के दोनों। बट हाँ, पीसी देखने से पहले आप लोगों को मेरी गेमिंग चेयर देखनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा साथ देती है। इसमें मैं बैठता हूँ, गेमिंग करता हूँ पूरा दिन, और कोई काम धाम नहीं, बस गेम खेलो और पैसा कमाओ। बाकी आगे बढ़ते हैं, ये है सीपीयू, ये मेन सीपीयू है, ये थोड़ा नीचे करो। इसमें रिकॉर्डिंग होती है सभी चीजों की, इसमें लाइटिंग वगैरह भी मैंने बहुत सही करवाया है। इसमें 2080 Ti लगा है, उसके अलावा सीपीयू इंटेल का है, इंटेल i9 रैम लगी हुई है। इसमें कुछ 64 GB रैम है, और ये वाले फैन लगे हैं कोशियर के, जो लाइटिंग वाले आते हैं ना खतरनाक, वो सभी लगे हुए हैं। और हाँ, ये पीसी रिकॉर्डिंग के लिए यूज होता है, ये सीपीयू सच बताऊं तो। और ये सीपीयू के अंदर मैंने 2 मॉनिटर कनेक्ट करके रखे हैं, और वो दोनों मॉनिटर है ये 2 वाले, और ये मेरे हेडफोन है, और ये वाला जो मॉनिटर है ये 4K मॉनिटर विथ 144 Hz वाला है, मतलब काफी तगड़ा है। इसमें मैं जैसे हाई ग्राफिक्स गेम हो गई है गोड ऑफ 4, GTA 5, ये सभी चीजें मैं इसमें खेलता हूँ। बट अगर कोई नॉर्मल वाली गेम होती है ना तो वो भी मैं इस मॉनिटर में खेल सकता हूँ, बट इसमें 60 Hz ही है, तो इस वजह से मैंने इसको साइड मॉनिटर बना दिया। हाँ, अभी बातचीत आती है ये वाले मॉनिटर की। ये वाला जो मॉनिटर है ये इसके साथ कनेक्ट है, ये वाले सीपीयू के साथ। और ये वाला सीपीयू जो है ना बहुत ज्यादा किलर है, मतलब ये मॉन्स्टर सीपीयू है, मतलब ये सीपीयू एक ऐसा सीपीयू है जो मतलब लिटरली किल कर देगा, क्योंकि इसमें लगा है 4090 जो कि अभी का लेटेस्ट है MSI का, और इंटेल का i9 इसमें मैंने लगाया है, और इसमें है 128 GB रैम, 128 GB रैम। और हाँ, ये जो गेमिंग केस है ना ये मतलब मेरे को छोटा पड़ रहा है, आई थिंक मेरे को इसको बड़ा खरीदना है। 90,000 के आसपास का सिर्फ कैबिनेट आता है, वो वाला बड़ा कैबिनेट मेरे को खरीदना है, बट बाद में मैंने सोचा कि अभी नहीं खरीदते, बाद में जाके खरीदेंगे। ये वाले केस में क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैंने ये वाला चीज क्यों हटाया है, इसमें एक तो 4090 है और साथ ही में सीपीयू i9 है, तो हीट बहुत ज्यादा करता है, इस वजह से मेरे को ये वाला जो पार्ट आता है ना उसको हटाना पड़ा। और हाँ, इसमें अगर यहाँ पे कैमरा मैन आओ थोड़ा, ये देखो ये वाली जो SSD स्टोरेज है ना उसके लिए स्पेस नहीं है, तो मैंने साइड पे ऐसे ही रख दिया है, और मैं काम चला रहा हूँ दोनों SSD से ऐसे ही रख के। हाँ, बट इसका परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका परफॉर्मेंस अलग ही लेवल पे है भाई इसका ना, मतलब देखो जी जान जो बोलते हैं ना, GPU और CPU है और वो दोनों तोड़ फोड़ है। ये वाले कंप्यूटर की बातचीत करते हैं, ये है मेरा थर्ड कंप्यूटर जो कि बैकअप कंप्यूटर है। ये वाला पीसी बहुत ही खास पीसी है, और ये तीसरा पीसी है जो कि बैकअप पीसी है। इसको मैं बैकअप पीसी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बैकअप पीसी नहीं बोलेंगे, मेरा सबसे पहला पीसी है। ये है BenQ का मॉनिटर 244 Hz का, सबसे तगड़ा वाला 56,000 या 60,000 का मैंने खरीदा था, और इसको मैंने लगाया है ये वाले सीपीयू के साथ। ये सीपीयू भाइयों लिटरली बहुत ज्यादा मेरे लिए स्पेशल है, क्योंकि ये मैंने खरीदा था जब मैं फर्स्ट टाइम गेमिंग करना स्टार्ट किया था, ये मेरा पहला सीपीयू है, और इस पे लगा है इंटेल i5, और साथ ही में एक GPU है, वो GPU का मेरे को पता नहीं परफेक्ट कौन सा GPU है, अगर तुम कमेंट करोगे तो मैं बता दूंगा इसमें मैंने कौन सा GPU लगाया था। बट हाँ, इसमें मैं खेलता हूँ वेलोरेंट, इसलिए मैंने ना इसको 244 Hz वाला मॉनिटर दे के रखा है, तो वेलोरेंट वगैरह जब मैं खेलता हूँ तब इसमें खेलता हूँ, फ्री फायर जब खेलता हूँ तब भी मैं इसमें खेल लेता हूँ, कभी कभी पीसी पे खेलना रहता है तो। वैसे मैं वीडियो बनाता हूँ तब पीसी में ही खेलता हूँ, बाकी ऐसे नॉर्मल मोबाइल में भी खेल लेता हूँ। तो हाँ, ये कीबोर्ड है, ये आई थिंक 12-13 हज़ार का कीबोर्ड है, काफी महंगा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये अगर तुम लोग देखोगे ना गूगल्स दिखने में तुम्हें लगेगा बहुत ही नॉर्मल है, बट इसमें ना यहाँ पे स्पीकर वगैरह है, चार्जिंग वगैरह भी कर सकते हैं। ये कुछ 30,000 के आसपास के मेरे को यूट्यूब ने गिफ्ट किया था, तो थैंक यू यूट्यूब। और बाकी तो तुम देख ही सकते हो, ये राउटर है जिससे मेरे सभी पीसी को इंटरनेट मिलता है, जितने भी पीसी यहाँ पे है सभी को ये टीपी लिंक का राउटर जो है वो देता है इंटरनेट। तो ये है मेरा सेटअप, बाकी तुम टेबल देख सकते हो और भी चीजें देख सकते हो। ये देखो भाई, आराम से सभी चीजों के ऊपर सिनेमैटिक डाल दो संतोष भाई, एकदम बढ़िया से कैमरा चलाओ यार, पैसे पूरे दूंगा मैं आपको।
तो अभी भी काफी सारी चीजें हैं जो कि मेरे को आप लोगों को दिखानी है। आ जाओ, ये है माइक, ये माइक गो एक्सएलआर के साथ जाता है। गो एक्सएलआर को एक बार दिखा देना, माइक को भी दिखा दो, उसका भी कोई टेंशन नहीं है। देखो ये गो एक्सएलआर है, ये साउंड बोर्ड है जिससे जो ध्वनि इससे उत्पन्न होती है, बनती है ये माइक से। ये वाला माइक जो है ना, मेरे पूरे सेटअप का सबसे सस्ती कोई चीज है मेरे पूरे सेटअप में, गेमिंग सेटअप में, तो ये माइक है। और ये माइक की कॉस्ट है 76,000 के आसपास है। और तुम लोग बोले कि यार अजू भाई इतना महंगा कौन माइक, इतना महंगा कौन लेता है? तो है। लेने का एक ही रीजन था, मेरा चैनल पूरा वॉइस पे चलता था, मतलब फेस नहीं था, तो इस वजह से मैंने माइक पे इतना खर्चा किया था। बट इससे पहले जो मैं माइक यूज करता था वो 40,000 वाला था, और उसके बाद सीधा मैंने जंप मारा, वो 76,000 वाला लिया। तो हाँ, ये वो वाला माइक है। ये हेडफोन है हाइपर एक्स का, ये वाला देखो, ये बढ़िया से हाइपर एक्स का, ये मेरे पास काफी टाइम से है, अमित भाई और मेरे पास सेम ही है। ये है लॉजिटेक का ब्रियो, जो कि 4K में रिकॉर्डिंग करके देता है, मतलब जब वेबकैम वगैरह करता हूँ तो इससे मैं करता हूँ। और हाँ, मैं टिकटॉकर को ना बहुत पहले छपरी बोला करता था कि भाई रिंग लाइट लिया, कुछ भी बना रहे और डाल रहे ऐसा करके। बट अभी के टाइम में मैंने दो दो रिंग लाइट खरीदी है फेस रिवील के बाद, क्योंकि मेरे फेस पे लाइट चाहिए, वरना जो मेरा कैमरा है वो सही तरीके से लाइटिंग नहीं लेगा और मेरे को नहीं दिखाएगा। तो इस वजह से मेरे को भी रिंग लाइट लेनी पड़ी, और मैंने ले ली रिंग लाइट, ऐसा कोई टेंशन नहीं है रिंग लाइट ले लेने का और लगा देने का, बढ़िया चलता है। तो हाँ, ये सब सिस्टम है, बाकी एसी है, सीलिंग वगैरह तुम लोग देख सकते हो। ये है मेरा गेमिंग सेटअप। हाँ, आपके बाकी जो गेमर है, छपरी गेमर की तरह मैंने सेटअप नहीं किया है कि कहीं पे भी मतलब एलईडी स्ट्रिप लगा दी और लाइटिंग बहुत ज्यादा, वो ना फिर गेमिंग रूम कम, मेरे को ना चांदनी बार ज्यादा लगता है। मैंने बार नहीं बनाया है, मैंने गेमिंग रूम बनाया है जो कि गेमिंग रूम की तरह लगेगा। और हाँ, जैसे मैंने फेसकैम वाले वीडियो में गेमिंग रूम बनाया था, वो भी एक परफेक्ट गेमिंग रूम था, उसमें मैंने दिमाग लगाया था काफी ज्यादा, वैसा दिमाग मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ। बट अगर इस वीडियो पे आप लोगों ने 5,00,000 लाइक कर दिए और 1,00,000 कमेंट कर दिए, तो ये पूरा गेमिंग रूम जो है उसको मैं एकदम नेक्स्ट लेवल पे कन्वर्ट कर दूंगा। मतलब ये जो तुम देख रहे हो ना, और वो देखोगे पूरा चेंज हो जाएगा, मतलब अलग लेवल पे चेंज होगा। और लाइटिंग बहुत ज्यादा नहीं लगा होगा मैं, बट हाँ, दिखने में फाड़ू दिखेगा। मतलब मैं इस गेमिंग रूम पे और 30,00,000 का खर्चा कर सकता हूँ, और मेरे को करना भी है। बट अगर तुम कर देते हो कमेंट वगैरह का टारगेट कंप्लीट, तो मैं सीधा जैसे ही वो बना हुआ गेमिंग रूम, उसका वीडियो बना के मैं डाल दूंगा। हाँ, अभी ना मैं नाइट करता हूँ, मतलब लाइट वगैरह सब बंद कर देता हूँ और एलईडी स्ट्रिप लगाता हूँ, मतलब स्टार्ट करता हूँ एलईडी जो आती है आरजीबी वगैरह, और उसके बाद में दिखाता हूँ कैसा रूम दिखेगा। हाँ, उसका अलग ही लुक होगा, बता, चांदनी बार नहीं लगेगा। बाकी गेमर जो बनाते वैसे चांदनी बार नहीं लगेगा, तुमको लगेगा कि नहीं गेमिंग रूम है। तो आज हम करते हैं फिर लाइट को बंद और दिखाता हूँ मैं। अभी के लिए मैंने सिर्फ आरजीबी लाइट ऑन करी है, तो आप लोग सिनेमैटिक एंजॉय करो। कितना काम लग रहा है ना एकदम। तो गाइस, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर एंड कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सो टेक केयर, टाटा, लव यू ऑल, बाय गाइस, सायोनारा।